सुंदरवन जंगल में टूनी चिड़िया अपने पति टुन्नू चुड़ा के साथ रहा करती थी। उसकी एक प्यारी सी बेटी थी जिसका नाम टुनटुनी था। टुनटुनी पढ़ लिख कर अपने माँ बाप का नाम रोशन करना चाहती थी। एक दिन टुन्नू अपनी पत्नी टूनी से कहता है, टूनी हमारी बेटिया टुनटुनी पढ़ाई में बहुत ही होशियार है, देखना एक दिन ये हम लोगों का नाम रोशन करेगी। आप ठीक कहते हैं जी, अपनी बिटिया दूसरे पक्षियों की तरह नहीं है, ये उनसे बहुत अलग है, दिन भर बस पढ़ती ही रहती है। हाँ टूनी, दूसरी पक्षियों के बच्चे दिन भर खेलते रहते हैं, उनका तो पढ़ने लिखने में बिल्कुल भी मन नहीं लगता। खैर छोड़ो, हमें दूसरों के बच्चों से क्या लेना देना, हमें तो अपने बच्चे पर ध्यान देना है। हाँ जी आप ठीक कहते हैं, हम लोग अपनी बच्ची पर बहुत अच्छी तरह से ध्यान देंगे। इस तरह खुशी खुशी उन लोगों के दिन गुजर रहे थे। एक दिन टुन्नू चुड़ा काम पर जा रहा था, तभी एक पेड़ की टहनी उस पर गिर जाती है और उसकी वही मौत हो जाती है। दूसरे पेड़ पर बैठा कालू कौआ ये सब देख रहा था। अरे अरे ये क्या, टुन्नू चिड़िया तो मर गया, मुझे इसकी खबर टूनी बहन तक पहुंचानी होगी। कालू कौआ टूनी चिड़िया के पास जाकर कहता है, टूनी बहन टुन्नू चिड़िया अब इस दुनिया में नहीं रहा। ये तुम क्या कह रहे हो कालू भैया, टुन्नू तो अभी अभी काम पर गया है, लगता है सुबह सुबह ही तुम्हें नशा कर लिया है, तभी तुम अशुभ बातें बोल रहे हो। नहीं टूनी बहन, मैं तुमसे कोई झूठ नहीं बोल रहा हूँ। फिर कालू कौआ सारी बातें टूनी को विस्तार से बताता है। ये क्या हो गया टुन्नू, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि तुम इतनी जल्दी हम लोगों का साथ छोड़कर चले जाओगे। अब मैं अकेली अपनी बिटिया की देखभाल कैसे करूँगी, इस घर में तो कोई दूसरा कमाने वाला भी नहीं है। इस तरह कुछ दिन निकल जाते हैं। टूनी बहुत ही उदास रहती थी, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो कैसे घर चलाएगी। एक दिन टुनटुनी उससे कहती है, माँ कई दिनों से स्कूल की फीस नहीं भरी है, मैं पापा से कहने वाली थी लेकिन मैं कह नहीं पाई, लगता है अब मुझे स्कूल छोड़ना पड़ेगा। बेटा क्या बताऊँ, घर में एक भी पैसा नहीं है, नहीं तो मैं तेरी फीस स्कूल भी जमा कर देती। तेरे पापा को तो बहुत शौक था तुझे पढ़ाने का, लेकिन लगता है अब तुझे पढ़ाई छोड़नी पड़ेगी। दोनों माँ बेटी बातें कर रही थी, तभी हरी काकी तोती आती है। टूनी चुड़िया, टुन्नू चुड़ा के बारे में सुना, बहुत दुख हुआ, बहुत भला पक्षी था, सबकी मदद करने को तैयार रहता था। क्या बताऊं हरी काकी, जब से टुन्नू गया है घर में अनाज का एक भी दाना नहीं है और टुनटुनी को पढ़ाने के लिए पैसा भी नहीं है, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करूं, घर चलाना बहुत कठिन हो रहा है। तब हरी काकी कहती है, टूनी तू उदास मत हो, अगर तुम मेरी बात मानो तो तुम आइसक्रीम बनाकर बेचना शुरू करो, गर्मी का दिन है, तुम्हारी आइसक्रीम फटाफट बिक जाएगी, मैं तुम्हें कुछ रुपए उधार दे देती हूँ, जब तुम्हारे पास पैसे आ जाएंगे तो मुझे वापस कर देना। बात तो तुम सही कह रही हो हरी काकी, तुम्हारा ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। ये लो टूनी बहन कुछ पैसे, इन पैसों से तुम आज ही जाकर आइसक्रीम बनाने का सामान ले आओ। इतना कहकर हरी काकी वहाँ से चली जाती है। तब टूनी अपनी बेटी टुनटुनी को बुलाती है। टुनटुनी अब तुझे स्कूल छोड़ने की कोई जरूरत नहीं, ये देख हरी काकी ने मुझे कुछ पैसे दिए हैं, मैं इनसे आइसक्रीम बनाने का सामान ले आती हूँ, मैं कल आइसक्रीम बनाऊंगी और तू उसे बेचना। रात भर कड़ी मेहनत करके टूनी चिड़िया आइसक्रीम बनाती है। अगले दिन टुनटुनी आइसक्रीम लेकर बाजार में बेचने जाती है। आइसक्रीम ले लो, आइसक्रीम, होममेड आइसक्रीम, ठंडी ठंडी आइसक्रीम। गर्मी बहुत पड़ रही थी, सुंदरवन के सारे पक्षी टुनटुनी के पास आइसक्रीम खाने आते हैं। आइसक्रीम खाकर पिंकी चिड़िया कहती है, वाह ये आइसक्रीम तो बहुत ही स्वादिष्ट है, मैंने आज तक कभी इतनी स्वादिष्ट आइसक्रीम नहीं खाई। हाँ बहन, इसे मेरी माँ ने बड़े प्यार से बनाया है। टुनटुनी हमें भी तुम ऐसी ही अच्छी आइसक्रीम खिलाना। शाम होते होते टुनटुनी की सारी आइसक्रीम बिक जाती है। टुनटुनी खुशी खुशी पैसे ले जाकर अपनी माँ को देती है। माँ ये लो पैसे, सभी ने आपकी आइसक्रीम की तारीफ की, कल से तुमको ज्यादा आइसक्रीम बनाना। धीरे धीरे पूरे सुंदरवन में टुनटुनी की आइसक्रीम की तारीफें होने लगती हैं। बंटी कबूतर भी आइसक्रीम बेचा करता था, टुनटुनी की आइसक्रीम के चलते उसकी आइसक्रीम बिल्कुल भी नहीं बिक रही थी। एक दिन जब टुनटुनी अपनी आइसक्रीम बेचने जा रही थी, तभी रास्ते में बंटी कबूतर उसे रोककर कहता है, टुनटुनी चिड़िया तू अपनी आइसक्रीम कहीं और जाकर बेच, तेरे कारण मेरा आइसक्रीम बिकना बंद हो गया है, अगर तूने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हारे पैर तोड़ दूंगा। बंटी कबूतर इसमें मेरी क्या गलती?
हमारी कम बिक्री हो रही है। मैं तो आइसक्रीम यहीं बेचूंगी, तुम्हें जो करना है कर लो। टुनटुनी चिड़िया, तू देखने में बहुत छोटी है पर तेरी जुबान बहुत चल रही है, देख मैं तेरे साथ क्या करता हूँ। बंटी कबूतर टुनटुनी की सारी आइसक्रीम फेंक देता है। टुनटुनी चिड़िया रोती हुई अपने घर पहुँचती है। क्या हुआ टुनटुनी बेटा, तू क्यों रो रही है? माँ, बंटी कबूतर ने मुझे मारा और सारी आइसक्रीम को भी फेंक दिया। वो मुझे आइसक्रीम बेचने से भी मना कर रहा है माँ, अब हम लोग क्या करेंगे? बेटा तुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, हम लोगों की आइसक्रीम सभी लोग पसंद करते हैं। ऐसा कर, तू सभी के घर घर जाकर आइसक्रीम बेचना शुरू कर दे। ठीक है माँ, तुम फिर से आइसक्रीम बनाओ, मैं अभी सबके घरों तक आइसक्रीम पहुँचा कर आती हूँ। अब टुनटुनी जंगल के सभी पक्षियों को आइसक्रीम की होम डिलीवरी देने लगती है। आइसक्रीम बेचने के साथ साथ टुनटुनी अपनी पढ़ाई भी जारी रखती है। अब टुनटुनी को पैसों की कोई कमी नहीं थी, वो खुशी खुशी अपनी माँ के साथ अपनी जिंदगी बिताने लगती है। एक जंगल में टुन्नू अपनी पत्नी टूनी और अपनी बेटी टुनटुनी से बहुत प्यार करता था। टूनी, मैं तुम दोनों के बिना जीने की कल्पना भी नहीं कर सकता, अगर मुझे कुछ हो जाए तो तुम मेरी बेटी का ख्याल रखना। मरे आपके दुश्मन, आप ऐसी बातें क्यों करते हैं जी, आपकी उम्र तो 100 साल हो, आपको मेरी भी उम्र लग जाए। पापा आपने मेरे लिए क्या लाया? बेटा आज मैं तेरे लिए तेरी मनपसंद जूते लेकर आया हूँ, इसे पहनकर मुझे दिखाओ। टुनटुनी जूते पहनकर टुन्नू को दिखाती है। पापा ये जूते तो बहुत सुंदर है, मैं कल इसे अपनी सहेलियों को दिखाऊंगी। आप दोनों बाप बेटी बातें कीजिए, मैं आपके लिए खिचड़ी बना कर लाती हूँ। टूनी जैसे ही खिचड़ी बनाने के लिए किचन में जाती है, वो बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। पापा जल्दी आओ, देखो माँ गिर गयी। टुन्नू दौड़ कर वहाँ पर आता है। अरे ये टूनी को क्या हो गया, मैं अभी डॉक्टर को लेकर आता हूँ। टुन्नू डॉक्टर को घर लेकर आता है, डॉक्टर टूनी का चेकअप करती है। बधाई हो, आपकी पत्नी माँ बनने वाली है, अब आपको इनका बहुत ख्याल रखना होगा। डॉक्टर के जाने के बाद, टुन्नू बेटा अब तुम्हारा भाई आने वाला है, मेरे ऑफिस जाने के बाद तुझे ही तेरी माँ का ख्याल रखना है। ठीक है पापा, अब मैं माँ का ख्याल रखूंगी, उन्हें एक भी काम नहीं करने दूंगी। क्यों, मुझे क्या हुआ है, मैं काम क्यों नहीं करूंगी? माँ डॉक्टर ने आपको आराम करने को कहा है, मैं कुछ नहीं जानती, मैं आपकी एक भी नहीं सुनूंगी, अब से घर का सारा काम मैं करूंगी। मैं अभी जाकर पापा के लिए खिचड़ी बनाकर लाती हूँ। अच्छा मेरी माँ, जा और संभाल कर बनाना। टुनटुनी खिचड़ी बनाने जाती है। अरे क्या तोड़ दिया, जरा संभाल कर काम करो। वो कुछ नहीं माँ, चावल का डब्बा नीचे गिर गया था। थोड़ी देर बाद टुनटुनी खिचड़ी बनाकर लाती है। पापा ये लो खिचड़ी और खाकर बताओ ना कैसी बनी है। टुन्नू खिचड़ी खाता है। खिचड़ी तो बहुत अच्छी बनी है, टुनी तुम भी खिचड़ी खाकर देखो। वाकई टुनटुनी ने खिचड़ी बहुत अच्छी बनाई है। माँ आज रात का खाना मैं ही बनाऊंगी। बेटा मैं बना लूंगी, तुम इतनी परेशान मत हो। नहीं माँ तुम आराम करो, मैं कुछ भी बनाकर पापा को खिला दूंगी, तुम भी खा लेना। धीरे धीरे समय गुजरने लगता है। टुनटुनी टूनी को कुछ भी काम करने नहीं देती थी। टूनी की माँ मीनू चिड़िया उसके घर आती है। टुन्नू बेटा मैं टुनटुनी और टूनी को अपने घर ले जाना चाहती हूँ, ये छोटी सी बच्ची कब तक अपनी माँ की देखभाल करती रहेगी? नहीं माँ मुझे मायके नहीं जाना, यहाँ टुन्नू और टुनटुनी मेरी बहुत अच्छी तरह से देखभाल कर रही है, मेरी बेटी बहुत सियानी हो गई है, वो मुझसे बहुत प्यार करती है। अच्छा ठीक है टूनी, जब बच्चा हो जाएगा तब मायके आ जाना। ठीक है मैं अब चल रही हूँ। एक दिन अचानक टूनी के पेट में दर्द होने लगता है। उस समय टुन्नू जंगल लकड़ियाँ लेने गया था, घर पर अकेली सिर्फ टूनी और टुनटुनी ही थी। टुनटुनी बेटा मेरे पेट में बहुत जोरों का दर्द हो रहा है, मुझे जल्दी से अस्पताल ले चल, लगता है तेरे भाई के आने का समय हो गया है। माँ तुम मत रो, मैं अभी कुछ करती हूँ, बाहर कोई भी नहीं दिख रहा है, मैं किससे मदद मांगू? अब माँ को इस सब्जी के ठेले पर ही ले जाना पड़ेगा। किसी तरह टुनटुनी टूनी को लेकर अस्पताल पहुँचती है और फिर टुन्नू को फोन करके अस्पताल बुलाती है। टूनी बच्चे को जन्म देती है। पापा ये देखो मेरा भाई कितना सुंदर है, अब मैं मेरे भाई के साथ दिन भर खेलूंगी। टुनटुनी आ बेटा मेरे पास, तू मेरी सबसे प्यारी बेटी है, ये सब कुछ तेरे ही कारण संभव हुआ है। टुनटुनी टूनी के गले लग जाती है और सब खुशी खुशी घर आ जाते हैं। हो
ये थी आज की कहानी। दोस्तों, आज के लक्की विनर्स के नाम ये रहे आपकी स्क्रीन पर। आज का सवाल ये है, टुनटुनी टुन्नू के लिए क्या बनाती है? अगर आपको पता है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। लक्की विनर के नाम कल की वीडियो में दिखाए जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और ऐसी कहानियाँ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।